हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बशीर टीवी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो के शुरू में से देखा स्टेटस, दोस्तों अगर आप भी इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करेंगे तो आप इस तरह का जो स्टेटस है वो नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप इसको प्ले स्टोर या किसी भी ब्राउज़र से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के जन्म जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल बशीर टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों उस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपने अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ बीच में प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपने 9x16 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले रेशियो को, बीच वाले रेशियो को। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ मेरी गैलरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है और वहाँ से आपने ये जो इस वीडियो में मैं मटेरियल यूज़ करूँगा ये तमाम मटेरियल आपने मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करूँगा, इस फ़ोटो की जगह पर आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों मैं यही फ़ोटो लगाऊँगा और इसका भी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों मैं ऊपर यहाँ टिक ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इसी फोटो वाली लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और इसको खींच कर थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जितना बड़ा आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर उसी टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपने एक बार फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और मीडिया के ऑप्शन पर चले जाना है और वहाँ पर दोस्तों आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाना। डाउनलोड के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इस वाली PNG को यहाँ पर दोस्तों आपने ऐड कर लेना, इस वाली PNG को यहाँ पे कुछ इस तरह से दोस्तों आपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है ऊपर की तरफ और इसके बाद दोस्तों आपने इसकी लेयर को भी खींच कर एंड तक कर देना कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने एक बार फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और मीडिया के ऑप्शन पर चले जाना है और मीडिया के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपने उसी डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाना है और आपने वहाँ से इस वाली वीडियो को ऐड कर लेना। इस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके बाद दोस्तों आपने इस वाले फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको यहाँ से फिल स्क्रीन कर देना, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इसके बाद दोस्तों आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे मैं आपको टिक लगा के दिखा देता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक करना और यहाँ से दोस्तों आपने पीछे आ जाना। पीछे आने के बाद दोस्तों आपने नीचे चले आना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन पे। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ इसको टिक ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ एक बार फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और मीडिया के ऑप्शन पर चले जाना। मीडिया के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपने एक बार फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाना और वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपने एक टेक्स्ट एनिमेशन वाली वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेना। इस वीडियो का भी लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को भी डाउनलोड कर लीजिए। सो इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से या नीचे चले आना। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना, इसी ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर एक बार दोस्तों आपने फिर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपने या नीचे आ जाना और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने इसको स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने नेम को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पर दोस्तों आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ टैक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टी वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपना जो नेम है वो यहाँ पर ऐड कर देना, जो भी आपका नेम है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ और इसके बाद दोस्तों मैं ऊपर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पे दोस्तों आपने इसको ऐड कर लेना और इसके बाद दोस्तों आपने इसको इसकी लेयर को भी खींच कर दोस्तों आपने एंड तक कर लेना है और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों इसको अपनी गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों आपने ऊपर तीर के ऑप्शन पर क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से इसको
HD 720p पे भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसको FHD 1080p भी आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपने इसको 60 रहने देना, और यहाँ पे दोस्तों आपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो आपकी वीडियो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, शुक्रिया।